ड्रॉ करने के लिए ऑटो शेप्स पर जाएं, ब्लॉक एरोस, यहां पे आप किसी भी प्रकार की इमेज को चुनें और ड्रैग करके उसे बनाएं। यहां आप इमेज को सेट करें, आप दिए गए ऑप्शंस के द्वारा इमेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लाइन का उपयोग करने के लिए लाइन टूल सिलेक्ट करें और आप किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करें। एरो लाइन ड्रॉ करने के लिए एरो सिलेक्ट करें और एरो लाइन ड्रॉ करें। रेक्टेंगुलर बॉक्स पर क्लिक करें और ड्रैग करके आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप रेक्टेंगल की जगह सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सर्कल सिलेक्ट करें। वर्ड आर्ट के बटन पर क्लिक करें और वर्ड आर्ट का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करें, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करें। उदाहरण के लिए लिखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके पे क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड आर्ट आपके सामने है। आप अपने इसको 3D आइकन्स भी दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप इसको वायर फ्रेम सेट कर सकते हैं। थ्री डी स्टाइल को दोबारा चेंज करें। उदाहरण के लिए टॉपिक को क्लिक करें और कलर बॉक्स पे जाके कलर सिलेक्ट कर लें। आपके लिखे हुए टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से जाके बैकग्राउंड चेंज करें। यहां टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा बल्कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा।